नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने भोपाल में शांति मार्च निकाला। विरोध में शामिल होने आए लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। प्रदर्शनकारियों से जब नागरिक संशोधन कानून के बारे में पूछा गया तो उनको इस कानून के बारे में जानकारी ही नहीं थी। प्रदर्शनकारियों ने कहीं यूरिया तो कहीं किसान कर्ज माफी को लेकर विरोध बताया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो इस कानून को देश हित में ही बताया है। कांग्रेस द्वारा भोपाल में नागरिक संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें भोपाल सहित अन्य प्रदेशों के लोगों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों से जब नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के बारे में पूछा गया तो उन्हें इस कानून का पता ही नहीं था। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वो पार्टी की रैली में शामिल होने आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा, उनको कोई खतरा नहीं है, मोदी अच्छा कार्य कर रहे हैं और यह बिल भी अच्छा है। प्रदर्शन में शामिल हुए किसानों ने कहा कि उनको यूरिया नहीं मिल रहा, इसीलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में आज कांग्रेस ने रैली निकाली। आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से। आप कहाँ से आए हैं? राजगढ़ जिले से आए हैं। किस बात को लेकर आए? वो तो इसी बात को लेकर आए हैं। कौन सा संशोधन बिल? नागरिक क्या है ये संशोधित बिल? क्या है इसमें? क्या है किसमें विरोध? किस चीज का है इसमें विरोध? इस चीज का है सभी लोगों को, जिसके विषय में जो चल रहा है आंदोलन, इसी विषय में है। तो किस विषय में आंदोलन चल रहा है? वही तो इन नागरोधित आप बताइए किस विषय में? ये सही चल रही है, हम व्यवस्था में मतलब खाद नहीं मिल पा रहा हमें, मतलब रुकावट लग रही उसे। अच्छा, उस विरोध में है। हाँ। और ये जो संविधान रक्षा के, संविधान कैसे खतरे में आ गया? वो सर तो पार्टी क्या है कि खतरे में इसलिए आ गया कि हमें खाद नहीं मिल रहा है, वो कर्ज माफी नहीं हो रही है और इसके लिए मतलब ये हटाने जाते हैं। तो कर्ज माफी क्यों नहीं हो रही आपकी? वो कर्ज माफी इसलिए नहीं हो रही कि वो आगे से बजट नहीं आ रहा, इसलिए कर्ज माफी नहीं हो पा रही। कहाँ से आए? ये हमने काला पीपल से। तो आप किस लिए आए? ये देखने के लिए आए थे। क्या कहते हैं यार, आप भूल गए, पता नहीं। अच्छा, ये बताइए कौन ने बुलाया? कांग्रेस ने? हाँ, कांग्रेस ने। आप किस लिए आए यहाँ पे? ये इसके लिए, ये हटवाने के लिए। क्या हटाने के लिए? ये जो ये हटाया ना, ये क्या हटाया? ये जो अपना एनआरसी। हाँ, एनआरसी नहीं है। एनआरसी है क्या अभी? क्या ये एनआरसी है जो अपने ये नागरिकता और ये इसके लिए आए थे? सब आए थे, सब लोग के साथ आए थे। अच्छा, सब लोग के साथ आए तो बुलाया गया था? बुलाया था यहाँ से सभी को। या नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में है, मोदी जी के विरोध में? मोदी जी के विरोध में नहीं, पार्टी थी, रैली थी, बस उसमें आ गए, गाड़ी लगाई थी। इस एनआरसी नुकसान क्या है? हाँ, किसने सही है वो तो नहीं है, उसको नुकसान नहीं है। मोदी जी को कोई नुकसान नहीं इससे, कुछ नहीं फर्क पड़ता। देश को नुकसान है एनआरसी से? हाँ, इससे तो ये तो पड़ सकता है। एनआरसी है क्या? ये क्या है? तो अच्छा ही है वो तो, समझो तो, इसके लिए सभी के लिए, पब्लिक के लिए, समझने के लिए, सभी का अच्छा लिए हो तो करने के लिए, और सभी सुविधा अच्छी है, सभी सरकार बहुत बढ़िया है, एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी बढ़िया है, मोदी माने अच्छा? हाँ, बहुत एक नंबर है मोदी जी भी, उसको मानते हैं हम, उनको कदर करते हैं, वो जितनी शासन चलाते। अभी हम आए कमलनाथ जी के सरकार में तो हमें मिले ही नहीं, गाड़ी भी भेजिए, किसान लोग तो है। कर्जा माफ हुआ आपका? हाँ, कर्जा माफ चल गया सर, हमारी चल गई। नहीं, अभी हुआ नहीं। अच्छा। अभी नहीं हुआ, अभी खाली घोषणा करी है, पर अभी हुआ की घोषणा करी है। आप किस बात का विरोध कर रहे हैं? ये तख्ती लेके रखे हैं, ये बता दो कितने पीस लेके आए तुम? ये बात संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।